मीटर खराब है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरे मीटर के अंदर दिखते हैं और गर्मी भी नहीं लगती है। और तुम धूप वगैरह देख सकते हो कितनी खतरनाक धूप आ रही है ऊपर, तो धूप टैंकर के अंदर भी दिक्कत है। टैंक कवर मेरा टूटा हुआ है पूरा, वेट कर रहा था खाली रोड आने का। तो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है तुम्हारा फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो मेरी थोड़ी अच्छी होने वाली है, थोड़ी तुमको बताऊंगा यार स्टैंडर्ड के अंदर अपने को जो दिक्कत आ रही थी, आज अपन जाने वाले हैं अपने जो शोरूम वगैरह उसमें जाने वाले हैं। जैसे मैंने बाइक को यहाँ पे निकाल के रख रखी और तुम धूप वगैरह देख सकते हो कितनी खतरनाक धूप आ रही है ऊपर, तो धूप वगैरह के अंदर ये राइड करने की प्रॉब्लम्स होती है, बट कोई दिक्कत नहीं, आज राइड करने वाले हैं अपन और शोरूम जाने वाले हैं। जैसे मैंने तुमको बहुत पहले बताया था कि इसका टैंक कवर जो टूटा हुआ है बहुत टाइम से, और इसका जो मीटर वगैरह वो भी बहुत बार खराब हो जाता है, और इसका जो साइलेंसर का कवर है वो सब भी जला हुआ है। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे मीटर का जो है यहाँ से ये जो अपना टैंक कवर यहाँ से ये टूटा हुआ है, और इसका जो मीटर वगैरह ना ये मीटर वगैरह ये कभी ब्लैंक हो जाता है, इसकी इंजन लाइट भी आई हुई है, तुमको मेरे बाइक कर चलाते हुए दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें बाइक के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है, तो अपन इस चीज़ को दिखाने के लिए शोरूम भी चलेगा। जब निकल चुके हैं घर से और आ चुके हैं यहाँ पे हाईवे पे, जैसा कि तुमको मैंने बता रखा है कि जो अपने शोरूम वगैरह है वो अपने घर के पास में ही है, 3-4 किलोमीटर के अंदर एरिया में है। बाकी दौसा में एक ही शोरूम है जिसके पास अपन जा सकते हैं, और जो अपनी सुनता है मतलब कि मेन बताऊँ तो दौसा में शोरूम ही एक है। तो इस वीडियो के अंदर तुमको ये पता लगेगा कि मेरे को क्या क्या मतलब कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे कि तुमको पता है मेरा मीटर खराब है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरे मीटर के अंदर दिक्कत है, और मेरे टैंक कवर के अंदर भी दिक्कत है, टैंक कवर मेरा टूटा हुआ है पूरा। और तीसरी बात यह है कि इसका जो वाइब्रेशन है इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ चुके हैं इस बाइक के अंदर। चौथी बात यह है कि इसका जो साइलेंसर कवर आता है वो ख़राब हो चुका है मेरा जल के साइलेंसर से। पाँचवीं खराब भी यह है कि इसके अंदर जो ब्रेक लाइट अपनी टेल लाइट आती है पीछे की रेड, वो भी रेड टेल लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि अपन जब मैं जब पीछे का ब्रेक लगाता हूँ तो नहीं जलती, आगे के ब्रेक से जल जाती हो, तो पता नहीं उसके अंदर भी क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ है ना, बजाज की शोरूम पे मैंने बहुत टाइम से बोल रखा है कि ये सब चीज़ें ना मेरी सही करके दे दो, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। बट लाइट ले रहा था उसका, बट वो लाइट लेते लेते हैं ना अब बहुत ज़्यादा 3 महीने हो गए, 3 महीने से ना मैंने इसी कंप्लेन कर रखी है कि 3 महीने से ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही है मेरी, बट 3 महीने से ना अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज जाके मैं शोरूम खुद ही आ गया, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को सही करके नहीं दे रहे भाई, मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एज अ ऑनर ऑफ RS 200। में सही बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इस बाइक को लेने के बाद। तो यहाँ पे आ चुका है अपना शोरूम, आ चुका है बजाज का इकलौता शोरूम दौसा का। तो यहाँ पे वही है, शोरूम के अंदर एक बार सर्विस सेंटर के अंदर नीचे जाके चेक करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, क्या मतलब कि ठीक करके देंगे कि ठीक करके नहीं देंगे। चल के आएंगे अपन उसके अंदर, नीचे निकल गए शोरूम से अंदर से, और अपन ने जो दिखाए बाइक को दिखा दी, उन्हें बहुत पोलाइटली बात करी, मेरे से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम मेरे से करते नहीं है। बट वही बात है, वो मुझसे ऐसे बोले हैं कि लास्ट चांस दे दीजिए, कल अपनी बाइक को खड़ी कर दाना, और जो भी दिक्कत है ना सुबह मॉर्निंग में खड़ी जाना कर जाना, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स आप फेस करें ना, जैसे आपका मीटर है तो अपना जो मीटर है ना वो अपन को नया लगा हुआ मिलेगा बाइक के अंदर, जो ये रीडिंग है 6000 रुपये की, 6000 किलोमीटर चलेगी ये पूरी क्लीन मिलेगी, जो मतलब कि 0 किलोमीटर पर अपनी बाइक आ जाएगी, ये सब पूरा उन्होंने बताया। ये पूरा नया का नया हो जाएगा, मतलब ये पूरा यहाँ से पूरा ये पार्ट चेंज होगा, टैंक का ये पूरा चेंज जाएगा, अपना जो मीटर है ये चेंज जाएगा, और जिसके अंदर वाइब्रेशन अंदर उन्होंने बोला कि हम ट्राई कर लेंगे पूरे एक एक बोनट को टाइट कर देंगे पूरा, जिससे कि जो वाइब्रेशन वगैरह वो निकल जाए, और वाइब्रेशन निकल जाएगा उन्होंने बोला। और जो अपनी रेड लाइट वगैरह वर्क नहीं कर रही उन्होंने बोला ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है कोई वायर वगैरह की, तो वो भी अपन रिपेयर कर देंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोले कि हम भारी तुम्हारी गाड़ी है ना बिल्कुल ठीक कर देंगे, कल गाड़ी को ले आना। तो मैं जो चल ठीक है, एक दिन इतने दिन 3 महीने तक वेट किया, तो एक दिन और वेट कर लेंगे, तो कल अपने लास्ट दिन है उनका, तो कल अपने अपनी बाइक को डाल के आएंगे। और तुम यहाँ पे टाइम देख सकते हो, अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 12:47 हो चुका है, यहाँ पे 12:47 तुमको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, बट 12:47 हो गए हैं। और अभी जो गर्मी वगैरह है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्लीपर के अंदर राइड कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे पैर है ना इस टाइम पर जल रहे हैं, बहुत गंदे जल रहे हैं इस टाइम पर, शूज़ के अंदर राइड करना चाहिए, मैं तो ये प्रेफर करूँगा। मैं आज जल्दी जल्दी में स्लीपर्स में आ गया, बाकी राइड है ना हमेशा शूज़ के अंदर ही करना चाहिए, तुम्हारे पैर ही प्रोटेक्ट रहते हैं और गर्मी भी नहीं लगती। ये फील का प्रॉब्लम ये देख रहा था मैं, बहुत देर से पूरे भरे हुए रोड आ रहे थे, वेट कर रहा था खाली रोड आने का, बट डर सा लगता है यार कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाए, बट मैं कौन सा मानने वाला हूँ इनमें से। तो फाइनली अपन आ चुके हैं अपने घर की गली में, और पूरी लड़ाई लड़के पूरी कन्वर्सेशन करके, तो चलो एक चीज़ तो ठीक हुई कि अपन जाके आए तो फ़ायदा हुआ, तो इस वजह से यही बात सही हुई, कम से कम एटलीस्ट अपन को कुछ फ़ायदा तो हुआ, अपन जाके आए वहाँ पे। बस यही है कि कल ये बाइक चली जाएगी, कल के लिए अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ये बात है कि अपनी बाइक ठीक हो जाएगी और इसका मीटर वगैरह लग जाएगा, जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, जो काम मेरा हो नहीं रहा था ना बहुत दिनों से। कल वो मैंने उनके बात पे भरोसा करके चल ठीक है, उन्होंने बोला कल और वेट कर लूँ, उसके बाद मैंने छोड़ दी। और भाई मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में, किया ना मैं ये जब ओवर स्पीडिंग वगैरह ये रैश ड्राइविंग प्रमोट नहीं करता,
मैं करता भी नहीं और मैं प्रमोट भी नहीं करता, ना इधर आई डू ना आई प्रमोट, तो यार तुम मत किया करो ये सब चीज़ें, मैं तो मेरे रिस्क पे करता हूँ, जो भी करता हूँ तो तुम इससे मोटिवेट हो गए, तुम ये सब मत करने लग जाना कि तुम रैश ड्राइव करने लग जाओ और वीडियोज़ बनाने लग जाओ, तो मैं तो भाई प्रमोट नहीं करता इन सब चीज़ों को। और फाइनली अपना घर वगैरह भी आ चुका है, हमने देख लिया जो जो अपने को रिजोल्यूशन मिला, उन्होंने बोला है कि आज नहीं कल बाइक को डालना, तो कल अपन वापस बाइक को डाल के आएंगे, और उन्होंने बोला कि सुबह अगर डालोगे तो शाम को मिल जाएगी वरना बाइक कल भी नहीं मिलेगी। तो जैसे RS 200 को बहुत टाइम से मैंने धोया वगैरह नहीं, तो धोएंगे तो नहीं वो बाइक को, बट ये कि इसकी जो टैंक कवर है ये रिपेयर कर देंगे, इसका मीटर रिकवर कर देंगे, तो ये सब चीज़ अपनी बाइक की कल ठीक हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो वगैरह अच्छी लगेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्या क्या मैं परेशानी फेस कर रहा हूँ RS 200 को लेने के बाद, BSS को लेने के बाद, तो मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो वगैरह अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तुमको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं पहले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ मस्त, खाते पीते रहो।